नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बासोडी, डेबोडी, राजाबर, मीरगंज, माधोपुर, अंगार, मोदीडी में बकरीद का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया गया। वहीं बसोडी में सतगावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सतगावा थाना प्रभारी, बासोडी मुखिया प्रतिनिधि, सम्मल डी मुखिया प्रतिनिधि, डेबोडी में प्रमुख प्रतिनिधि, उप प्रमुख और राजाबर मुखिया प्रतिनिधि, राजाबर पंचायत समिति और सभी मुस्लिम भाईचारे के साथ गले मिले और बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाए। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहते हैं। ईद की नमाज होने के बाद बकरे की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बकरीद पर कुर्बानी का काफ़ी खास महत्व है। कुर्बानी के बाद जो गोश्त निकलता है उसे तीन हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें एक हिस्सा खुद के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए होता है। इन हिस्सों को सभी बांटने के बाद ही कुर्बानी का गोश्त जायज माना जाता है। आखिर क्यों देते हैं कुर्बानी और कब से शुरू हुई यह परंपरा? इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे। उनके बेटे का नाम इस्माइल था। इस्माइल से पिता हजरत इब्राहिम को बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन हजरत इब्राहिम को रात में ख्वाब आया कि उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना होगा। उस समय हजरत इब्राहिम के लिए यह अल्लाह का हुक्म था, जिसके बाद हजरत इब्राहिम ने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा सबसे ज़्यादा प्यारा था। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह के हुक्म पर बेटे की कुर्बानी देने से पहले हजरत इब्राहिम ने कड़ा दिल रखते हुए आँखों पर पट्टी बांध ली और गर्दन पर छुरी रख दी। हालांकि उन्होंने जैसे छुरी ही चलाई तो अचानक उनके बेटे इस्माइल की जगह एक दुबा बकरा आ गया। हजरत इब्राहिम ने आँखों से पट्टी हटाई तो उनके बेटे इस्माइल सही सलामत थे, इसलिए उसके बाद से यह परंपरा बन गई। वही जगह जगह पर सतगावा थाना के जवान मुस्तैद दिखे। बकरीद त्यौहार पर हम लोग राजावर पंचायत के अंतर्गत डेगोडी में नईम भाई के यहाँ बकरीद के लिए मिलने के लिए आए हैं और सतगावा में ही शांति पूर्ण तरीके से जो बकरीद मनाया गया यह बहुत सराहनीय है। और इस बकरीद में कुर्बानी होता है जो अल्लाह का प्यारी कुर्बानी है और ये शांतिपूर्वक हम हिंदू मुस्लिम मिलकर के सभी दिन सभी हर वर्षों के भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से जो बकरीद मनाया गया, जिससे मैं बहुत खुशी है और सतगांव वासियों को मैं शाबाश करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से आने वाला दिन में भी हर त्यौहार हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी का मिलजुल कर भाईचारे बना करके शांतिप्रिय ढंग से निभाना चाहिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ। कुर्बानी के शुभ अवसर पर हम अपने सतगांव वासी और देवोडी वासियों और जो भी हमारे प्रमुख और जो भी समाज सेवी हमारे साथ आए हैं, हमारे मुखिया जी भी राजावर पंचायत के आए हैं, उसे बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। और आज के दिन शांतिपूर्ण पूरी सतगावा और हमारे राजावर पंचायत में बहुत शांतिपूर्ण त्यौहार मनाया गया। किसी तरह की कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हम प्रशासन विभाग और हमारे थाना हमारे आपके वीडियो साहब को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत शांतिप्रिय से हमारा ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत खुशी से मनाया गया। कि आज हम लोग पूरा शांतिपूर्ण पूरे सतगावा में जितने भी जगह बकरीद मनाया गया सभी जगह शांतिपूर्ण रहा। इसमें हमारे प्रखंड के प्रशासन एवं लॉ एंड ऑर्डर का मॉनिटरिंग कर रहे हमारे थाना प्रभारी, उनके द्वारा पूरी तरह से बहुत ही शांतिपूर्ण एवं सतर्कता तरीका से बकरीद मनाया गया। कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और पूरे सतगावा में हम लोग का उम्मीद भी है कि भविष्य में भी कभी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।